अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, खास करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, क्या लाना है, क्या पहनना है, क्या खरीदना सबसे जरूरी माना जाता है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, करवा चौथ बस अब कुछ ही दिनों दूर है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब जल्द ही खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर ली जाए। आज हम आपको बताएंगे कि खास करवा चौथ पर आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या खरीदना सबसे खास और उत्तम माना गया है। दोस्तों, मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। अगर आप भी माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय माता दी। दोस्तों, माँ पार्वती और भोलेनाथ के लिए तो जरूर बनता है। तो आइए जानते हैं कि दोस्तों, इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि खरीदारी करते समय आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या खरीदना सबसे शुभ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से। सबसे पहली चीज जो आपको खरीदनी है, ध्यान रखनी है, वो है कपड़े। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ियां, लहंगे ही पहनती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती है। आप चाहें ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लेकिन इन सब में भी सबसे खास तो लाल रंग ही है, क्योंकि लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना शुभ माना गया है। तो देरी किस बात की है, लाल रंग का जोड़ा करवा चौथ के लिए अभी से चुन लीजिए। अगली चीज जो करवा चौथ पर खास खरीदी जानी चाहिए वो है बाया। बाया आसान भाषा में अगर समझे तो ये वो तोहफा है जो बहुएं अपनी सास को देती है। जो सामान बहू अपनी सास को तोहफे में देती है वो बाया होता है। इसलिए बाजार से खरीदारी करते समय बहू को ये पता होना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदे और उन्हें दे दे। दोस्तों, अगली चीज है चूड़ियां। करवा चौथ पर चूड़ियां लाना तो बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, सुहागन के श्रृंगार में तो चूड़ियों का खास महत्व होता है, इसलिए इसे जरूर लें। इसके लिए चाहे तो आप अपने जोड़े से मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी कड़े भी आप ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है, इसके बगैर करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, अगली चीज है आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ जेवरात यानी ज्वेलरी लेना भी पसंद करती है। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती हैं। दोस्तों, अगली चीज है मेहंदी। पहले तो करवा चौथ पर महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाया करती थी, लेकिन अब बाजार में उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए हम जाकर बाहर से ही मेहंदी लगवा कर आ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि करवा पर घर में मेहंदी का शुभ करना ज्योतिष दृष्टि से सिर्फ अच्छा ही नहीं है, बल्कि ये बहुत ही जरूरी भी है। आपको अगर बाहर से मेहंदी लगवानी भी है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन घर में मेहंदी का शुभ जरूर कर लें। घर में खुद से या किसी परिवारजन से थोड़ी सी मेहंदी हाथ पर जरूर लगवा लें, फिर चाहे आप एक डॉट ही लगवा लीजिए। इससे ना तो आपका मेहंदी का डिजाइन खराब होगा और आपका शुभ भी हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप बाजार में मेहंदी की लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो मेहंदी लगाना घर पर ही एक बेहतर ऑप्शन है। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा और पति की आयु के लिए भी ये मान्यता सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, अगली चीज है करवा और छल्ली। करवा मिट्टी से भरा एक छोटा बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छल्ली से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है। उसके बाद करवे से ही पति अपनी पत्नी को पानी पिलाता है। अगर ये दोनों चीजें करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज है मोर पंख। खास करवा चौथ पर मोर पंख जरूर खरीदना चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से घर में दौलत का आगमन भी होता है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदें और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा बिल्कुल भी गलती से भी नहीं पहनना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां और नेगेटिविटी आएगी। शुभ मुहूर्त देख कर ही करवा चौथ वाले दिन पूजा करनी है, तभी आपको अपनी पूजा का शुभ फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने
दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती।